हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट बैंकिंग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, यदि आपने इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया और उसे कैसे एप्लीकेशन का स्टेटस को चेक करना है ये जानकारी चाहिए तो वीडियो को कम्प्लीट इन तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं बिना ओटीपी के माध्यम से। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में चले जाना है। उसके बाद वहाँ पर आप जैसे बिहार स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो बिहार और वहाँ पर RTPS लगाकर आपको सर्च कर ले। सर्च करने के बाद सिंपल सा वो जो वेबसाइट है सबसे ऊपर आपका आ जाएगा, उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आने के बाद सिंपल सा आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जहाँ पर लिखा हुआ होगा नो स्टेटस योर एप्लीकेशन। तो आपको सिंपल सा ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद सिंपल सा मैं आपको जूम करते हुए यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि सब पहले क्या होता था कि थ्रू OTP के थ्रू आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते थे, बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को रेफरेंस नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर आपको सिंपल सा जब आपने इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, वही रिसिप्ट के ऊपर आपको सिंपल सा रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर इंटर कर देना है। करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का जो सबमिशन डेट है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ये जो आपको डेट मिलेगा वही रिसिप्ट में ही मिलेगा, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस सिंपल सा आपको कैप्चा इंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप कर लिया हूँ। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ वेटिंग लेता है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो एप्लीकेशन स्टेटस जो बता रहा है यहाँ पर डिलीवर्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का जो है आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं बड़े ही आसानी से, वो भी आप घर बैठे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।